दीप सिंह, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल फार्मिंग कल्चर पर। तो आज की इस वीडियो में किसान भी हम आपको दिखाएंगे कि गन्ने के साथ जो है यहां पे हम मसूर की जो है वो सह फसली जो है वो बो रहे हैं, देख सकते हैं। ये गन्ना हमने बोया हुआ था पहले और उससे 10-15 दिनों के बाद आज हम जो हम इसमें जो है मसूर जो है वो दाल जो है मसूर की वो इसमें जो है एक सिंगल सिंगल लाइन जो है उसकी वो बो रहे हैं। वो आपको दिखाएँगे कि कैसे आप लोग जो है गन्ने के साथ साथ और जो है छोटी मोटी जो सह फसली है वो कैसे ले सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये हमने गन्ना बोया था, दे सकते हैं, और इसमें बीच वाला जो बेड है लगभग 2.5 फीट पे हमने ये बोया था, तो बीच वाला जो बेड जो बच रहा है उस पर हम जो है यहाँ पर मसूर बो रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे घर की ही दाल जो है हमें बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इसी थोड़े क्षेत्र में जो है हम अपना जो है घर की दाल जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसको बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं, काफ़ी मुनाफे वाला ये तरीका रहता है सह फसली। और यहाँ पे देख सकते हैं ये तरीका हमने एक जुगाड़ बनाया है, देख सकते हैं बोने के लिए इसको। ये एक कल्टीवेटर टाइप का है, देख सकते हैं जैसे ड्रिल आती है, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको यहाँ पर इस तरीके से ये बनाया गया है। ये डिब्बा टाइप से है और इसमें देख सकते हैं नीचे ये पाइप है, इसी में से यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं इसमें, और नीचे जो है ये इस पाइप के ज़रिए होके ये दाने जो हैं इसमें नीचे यहाँ से देख सकते हैं। ड्रिल होती है जैसे गेहूं वाली ड्रिल हो गई, उसी तरीके से ये कह लीजिए है सिंगल लाइन के लिए बनाई गई है जुगाड़ करके। और आपको यहाँ पर दिखाएँगे भी, अभी देख सकते हैं यहाँ पर इसमें दाने से टाइप से डाल रहे हैं, दाने जो है वो नीचे जा रहे हैं, देख सकते हैं नाली में पीछे पड़ रहे हैं। यहाँ पर मैं दिखाना भी चाहूँगा कि दाने जो हैं वो नीचे बिल्कुल भी देख सकते हैं कि साथ साथ में मिट्टी भी ऊपर पड़ जा रही है। तो बहुत अच्छा तरीका है ये इस तरीके से बोने के लिए। आप इसको चाहें तो इसमें कोणों में वैसे भी बो सकते हैं, मान लीजिए पहले इस तरीके से नाली आप किसी चीज़ से निकाल सकते हैं, इस तरीके से हल से निकाल लीजिए या फावड़े वगैरह से निकाल लीजिए, उसके बाद जो है नालियों में जो है आप मैन्युअली मतलब खुद हाथ से भी इसमें जो है मसूर वगैरह के दाने हो गए या मटर हो गया या फिर इसमें आप चाहें तो चने वगैरह भी बो सकते हैं। जैसे हम लोग बोएंगे कुछ 2-4 बेड जो है वो चने के भी बोएंगे। तो इस तरीके से छोटी फसल जो है अगर आप बोते हैं बीच में गन्ने में तो बहुत ही अच्छे फ़ायदे उसके देखने को मिलते हैं। कि ये है कि आपके घर की जो है आप कह सकते हैं दाल हो गई या कोई छोटी फसल हो, घर की आप खाने के लिए भी तैयार कर सकते हैं। जब बड़े अगर स्तर पर नहीं भी करते हैं तब भी काफ़ी अच्छे फ़ायदे जो है उसके देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर गन्ने के साथ जो है देख सकते हैं कि मसूर की जो है वो सह फसली जो है यहाँ पे ले रहे हैं। आपको आगे भी इसका रिजल्ट दिखाएंगे जब जमाव वगैरह हो जाएगा और किस तरीके का रहता है पूरा इसका। और इसमें देख सकते हैं स्पेस काफ़ी अच्छी रहती है, 2.5 फीट से ये लाइन से लाइन 2.5 फीट है। अब बीच में मान लीजिए बीच में बिल्कुल सेंटर पे एक लाइन ले रहे हैं, इससे क्या होगा कि गन्ने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, विपरीत प्रभाव कह सकते हैं कि गन्ने पर नहीं पड़ेगा क्योंकि स्पेस है काफ़ी अच्छा। और मसर की फसल या मसर हो गई, चना हो गया, ये इस तरीके की फसलें हैं कि गन्ने पे बहुत ज़्यादा होगी, इनका जो पौधा है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, तो कोई भी प्रतिकूल प्रभाव जो है वो गन्ने पे नहीं पड़ता है, ये भी एक फ़ायदा रहता है। और जो भी हम खाद वगैरह गन्ने में डालेंगे वही सब जो है इसमें पड़ जाएगी, तो कुछ अतिरिक्त जो है खाद या गुड़ाई भी नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो हम कर रहे हैं इससे कई ये भी चीज़ हो रही है कि साथ में हल्की हल्की गुड़ाई जो है गन्ने की वो भी हो रही है, और बाद में जब गुड़ाई करेंगे तो साथ में गन्ने की भी हो जाएगी और मसूर वगैरह जो भी हम छोटी फसल लेंगे उसकी गुड़ाई वगैरह भी अच्छे से हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, देख सकते हैं इस तरीके से आप गन्ने के साथ साथ में जो है वो मसूर की भी सह फसली जो है ले सकते हैं, मसूर हो गया या चना हो गया। उसके बाद जो है आप इस तरीके से इनको पैरों से ही जो मिट्टी जो है ऊपर डाल सकते हैं, पैरों से या फावड़े वगैरह की सहायता से इस तरीके से देख सकते हैं कि आप नालियों को जो है ऊपर जो है इसकी मिट्टी डाल सकते हैं, ढक सकते हैं इस तरीके से। तो काफ़ी अच्छा तरीका है, इसमें आप कोई भी इस तरीके से फसल ले सकते हैं, जो गेहूँ भी बीच में जो हल्का अगर चाहें आप तो वो भी बो सकते हैं, इसमें आप प्याज चाहें प्याज लगा सकते हैं बीच में, क्योंकि ये बेड किसी काम नहीं आता। और ये जो छोटी फसलें हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी जो है गन्ने पे कोई भी इस पर इफ़ेक्ट कह सकते हैं कि नहीं पड़ता है, साइड इफ़ेक्ट कोई भी। और इससे क्या होता है कि आपका एक तो गन्ना तो तैयार होना ही होना है, इसके साथ में आपकी जो छोटी फसल है कोई भी सह फसली वो ले सकते हैं, उसका वो आपको अलग से उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं किसान भैया सह फसली के, आप छोटे क्षेत्र में जो है इसको ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप इसको बड़े क्षेत्र में भी लगा सकते हैं, क्योंकि
जिस तरीके से गन्ने में और जो खर्चा आता है उसको देखते हुए किसान भी, अगर आप सह फसली अब नहीं लेते हैं तो आपको जो है काफ़ी नुकसान होगा। अगर आप सह फसली लेते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा जो है आप गन्ने के साथ साथ अन्य फसलें बो के उसका भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया तरीका किसान भाइयों रहता है सह फसली के साथ, गन्ने के साथ में सह फसली भी करना। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भैया।